से आपके पास ये वन जीरो जीरो वन है राइट तो वन जीरो जीरो वन है तो मैं एक बार छोटा सा ड्रैगन दिखाता हूँ देन वी विल डिसाइड दल्टीपल सो इट इज वन जीरो एंड जीरो वन राइट सो यू कैन इधर चेंज यू कैन यू कैन इधर कैन नॉट चेंज और यू हैव एट मोस्ट वन एटमोस्ट वन टाइम यू कैन चेंज इट राइट क्या कर सकते हैं जीरो टू वन बना सकते हैं ठीक है तो सारे जीरोज़ पर चलते हैं देखते क्या हो रहा है तो ये जीरो या तो मैं चेंज नहीं करें और या तो मैं चेंज कर सकते हैं तो मैं लट से इसको जीरो को वन बना देता हूँ राइट सो योर मैट्रिक्स वुड लाइक वन वन जीरो वन राइट अब हमें एक आइलैंड निकालना है आइलैंड मतलब आइलैंड का सिंपल सा मतलब है कनेक्टेड वंस वंस कैसे कनेक्टेड है अपने चारों डायरेक्शन से राइट वन ऐसे अगर कोई कनेक्शन बना रहा है वंस जुड़ा हुआ है तो दैट फॉर्म्स एन आइलैंड सो क्लियरली यू कैन सी दैट दिस फॉर्म्स एन आइलैंड राइट हाउ मेनी वंस आर देयर इट्स थ्री सो अगर हम इस जीरो को बदलते हैं तो हमारे पास थ्री होता है आंसर में देर इज लाइक देर इज कंसिडर ऑल द पॉसिबिलिटी सो अगर हम इस जीरो को वन में बदलते हैं देन अगेन यू कैन क्लियरली दिस फॉर्म्स एन आइलैंड राइट तो अगेन वैल्यू थ्री होगी अब इनमें से जो मैक्स है लाइक ऑल द पॉसिबिलिटीज उनमें जो मैक्स है हमें रिटर्न करना है तो यहाँ पे तो सिर्फ हमने जब भी चेंज किया थी। तो हमारे पास दोनों टाइम थ्री आंसर है सो दैट इज इज आउटपुट करेक्ट ठीक है इसलिए थ्री आंसर है सिमिलरली यहाँ पे वन 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 जीरो के लिए हम इस जीरो को वन में चेंज कर देते हैं देन यूर इंटायर टू क्रॉस टू मैट्रिक्स विल हैव ऑल सेल वैल्यू एज और है काउंट क्या हो गया फोर आंसर so अगर सारे वन है तो कुछ काउंट करने की जरूरत ही नहीं है यू कैन नॉट कैनोटेंज एज जीरो तो yeah. so, इस क्वेश्चन में करने के दो अप्रोचेज एकदम शांति से सुनना क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रियर वंस हुड टू द क्वेश्चन और विजिटेड टू द एल लाइक हाउ डी एफ एस वर्क वट इज वट इज मैप वट इज राइट देन यू नीड टू गो थ्रू दिस थिंग्स फर्स्ट ईयर तभी आप एक क्वेश्चन मेरे समझाने के बाद आपको समझ में आया राइट तो अगर आप

उन एक एक करके सारे को वन में बदलो एंड यू आर कन्वर्टिंग योर फर्स्ट जीरो टू वन आप क्या करो एक डी एफ एस फंक्शन कॉल करो फॉर दैट फॉर दिस वन राइट वेन यू कॉल डी एफ एस फंक्शन तो इससे कनेक्टेड जितने भी वन है आपको उसका काउंट मिल जाएगा राइट एंड यू विल गेट एंड यू विल हैव वन मोर वेरिएबल लेट्स से मैक्स और रिजल्ट टू स्टोर द मैक्सिमम काउंट ठीक है अगेन डी एफ एस कैसे रन होता है यार आप एक बार देख लेना तो आपको तुरंत तो समझ में आ जाएगा फिर भी मैं आपको ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दूंगा थोड़ा सा कि हाउ वी कैन राइट द कोड ठीक तो अब कर क्या रहे थे यार हर एक सेल के लिए पहले तो आप हर एक सेल में ट्रेवल्स करते आर कॉलिंग डीएफएस फॉर एवरी पर्टिकुलर सेल विच यू हैव कन्वर्टेड फ्रॉम जीरो टू वन राइट और डीएफएस कॉल करने के क्या टाइम डाइवर्सिटी होती है टोटल नंबर ऑफ नोट्स टोटल नंबर ऑफ नोट्स मैक्सिमम क्या हो सकता है टोटल नंबर ऑफ सेल्स दैट इट विल टेक एन स्क्वायर So first of all, you are visiting each and every cell, and then you are calling DFS for that particular cell. So it would be n square into n square, which is n power four, and that is why n power four is mentioned here. What is the space complexity? I am saying two n square. Ignoring the constant, would be O of n square. Why n square? That first of all, you will be making a visited array. DFS is have visited array. So n square would be gone there, and then you will have a recursive stack space. That is the total number of cells you have. Right again. रिकर्सिव टैक्स के टोटल नंबर सेल्स क्यों होता है मैं फिर से बोलूंगा डीफे का वीडियो देख लो हार्डली टेन मिनट्स का वीडियो है आपको तुमसे समझ में आएगा देन यू रेड रिलटेड टू बल विथ माई टीचिंग्स ठीक है ये हो गया मेथड वन तो हम इस चीज़ को कोड नहीं करेंगे हम इससे ऑप्टिमाइज अप्रोच देखते हैं ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या है यार हम लेट्स से ये एग्जांपल समझते हैं ठीक है ठीके? तो बातों को बहुत ही शांति से सुनना राइट right? ठीक है तो हमारे पास एक आइलैंड है यहाँ पर ठीक है देन हमारे पास एक आइलैंड है यहाँ पर और लमी मार्केट विद डिफरेंट कलर्स हमारे पास एक आइलैंड है यहाँ पर करेक्ट देन हमारे पास एक और एक आइलैंड है वो है यहाँ पर ठीक है देखो इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकता है सबसे पहले तो मैं क्या बोलता हूं कि सारे जहां पे भी आपको वन दिख रहा है राइट right? आप पूरे सेल में ट्रैवर्स करो सून एज यू फाइंड इस पर्टिकुलर सेल पे आपको वन मिलेगा राइट रन द डीएफएस देन एंड देयर राइट right? तो इससे जितने भी कनेक्टेड वन है आपको पता चल जाएंगे क्या क्या ठीक है ये एक छोटा आइलैंड है वो फॉर्म कर रहा है ठीक है आप इस डी को रन करो सिमिलरली सारे डी को रन करो आपको सब मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड बॉन्ड से ठीक है अब हम डिस्टिंग्विश कैसे करें यार कि ये एक आइलैंड अलग आइलैंड था और ये दूसरा आइलैंड है ये तीसरा आइलैंड है राइट right? डिस्टिंग्विश करने की जरूरत क्या है ये भी समझ लीजिए दे आर टू क्वेश्चन कि हम डिस्टिंग्विश कैसे करें डिफरेंट हम कैसे मार्क करें दैट इज़ वन इज वाई एंड द सेकेंड वन इज हाउ तो कैसे करें उसके लिए हम मैप का यूज कर लेंगे मैप में की वैल्यू पेयर होता है यार की वैल्यू पेयर होता है तो एस सीन एज सब सबसे पहले हाउ की बात कर लेते हैं कैसे कर रहे हैं वाई विल डिस्कस करेंगे तो तुमने जैसे ही डी एफ एस विजिट किया यार ठीक है तो तुम उस पर्टिकुलर एलेंड को कोई वैल्यू से मार्क कर दो राइट तो मैं कहता हूँ लग से पहले माइनस वन से मार्क कर दो फिर कोई दूसरा एलेंड मिलता है उसके सारे सेल्स को माइनस टू से मार्क कर दो देन जैसे ही मिलते जाओ माइनस थ्री माइनस फोर टेल मार्क करते जाओ राइट तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इन सारे सेल्स माइनस वन से मार्क कर दो सिंस यू मेड दिस आइलैंड सिमिलरली इस सारे को माइनस टू से मार्क कर दो तो so, मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस टू माइनस टू माइनस टू एंड माइनस टू सिमिलरली इसके लिए क्या करो इसको माइनस थ्री से मार्क कर दो माइनस थ्री से मार्क कर दो माइनस थ्री माइनस थ्री ठीक है ग्रेट अब देखो हाउ हमें पता चलेगा कैसे करेंगे ये चीज इंप्लीमेंट करेंगे अभी बट एक बार वाई भी डिस्कस कर ले क्यों करेंगे देन देन वी विल विल कोड और सूडो कोड दिस अप्रोच और मैं डायरेक्टली कोड ही दिखा दूंगे आती है पहले आप समझ लो कि काम कैसे कर रहा है क्यों कर रहा है ठीक है तो डिस्टिंग्विश क्यों करना है यार देखो पहले हमने हैश मैप में स्टोर कर लिया ठीक है हमारे पास एक आइलैंड है उसका रीजन का जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन वैल्यू है माइनस वन है सिमिलरली बाकी के लिए माइनस टू है माइनस थ्री अब हम कैसे करेंगे कि हम जीरो पे जाएंगे जितने भी जीरो हैं ये एक पैरेलल वर्क हो जाएगा ऑफ एन स्क्वायर का ठीक है तो हम एन टैंग यूज कर चुके हैं फिर हम फिर से एन एंसकोर यूज करेंगे टू तो विजिट ईच एंड एवरी सेल बट यहां पे जहां पे भी हमारे पास जीरो होगा राइट क्वेश्चन ने क्या कहा है कि यू कैन चेज एट मोस्ट वन जीरो टू वन तो मैं हर एक जीरो को वन में बदलूंगा ठीक है मैं इसके लिए डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं हर एक जीरो को वन में बदलूंगा ठीक है उसके चार नेबर्स को देखूंगा मैं लेट्स से फॉर दिस वन आई विल लुक एट इट्स फोर नेबर्स आई विल लुक एट इट्स फोर नेबर्स क्योंकि इसके चार ही नेबर हो सकते हैं यार

तो ऊपर से तो कोई आंसर नहीं है आउट ऑफ बाउंड लेफ्ट से भी कोई आंसर नहीं है दैट इज इट सेल्फ इज जीरो राइट से भी कोई आंसर नहीं है जीरो बट अगर मैं डाउन जाऊँ तो मैं देखूंगा कि मेरा जो ये जीरो है दिस इज कनेक्टेड टू अ आइलैंड हैज अंड अटिफिकेशन इज माइनस वन राइट मेरे पास जो मैप है मैंने इसमें कैसे स्टोर रखा है कि हमारे पास एक आइलैंड है जिसके पास एक माइनस वन का यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क है और उसमें जो नंबर ऑफ सेल्स है वो इज थ्री सिमिलरली माइनस टू के लिए अपन स्टोर कर लेंगे नंबर ऑफ आइलैंड्स इट हैज है उसकी जो वैल्यू है उसके पास पांच आइलैंड है पाँच वन थे सिमिलरली एक माइनस थ्री होगा जिसके लिए उसके पास वैल्यू जाएगी फोर ये हमारे मैप में प्रेजेंट है ठीक है अब मैं देखूंगा एज सून एज आई हिट द नेबर फॉर दिस जीरो टू वन तो यहाँ पे एक आइलैंड है जिसकी आइडेंटिफिकेशन वैल्यू माइनस वन तो मैं चुपचाप से मैप में जाऊंगा मैं देखूंगा अच्छा माइनस वन है क्या तुम्हारे तो पास उसकी वैल्यू निकाल के लू मेरे पास थ्री और मैंने इसको खुद से चेंज किया तो थ्री प्लस वन हमारे पास फोर हो जाएगा अपडेटेड आंसर ठीक है सिमिलरली इन सारी जीरो के लिए देख लेंगे इस जीरो के लिए आई होप अब देखो यहाँ पे लॉजिक बहुत क्लियर आपको हो गया होगा ठीक है बट एक छोटा सा टेस्ट केस और है डिफरेंट क्यू किया राइट उससे एक और अभी चीज़ पता चलेगी तो हमने क्या फॉर एवरी जीरो विल पुश इट्स नेबर अ सेट ये क्यों किया यार भैया ठीक है अभी बताते हैं क्यों किया इस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था बट लेट्स से आप जीरो को इटरेट करते करते आप इस जीरो पे आए किस जीरो की बात कर रहा हूँ मैं इस जीरो की बात कर रहा हूँ आपने इसको वन में चेंज किया एंड यू ट्रेवल्स टू इट्स ऑल फोर नेबर्स इन होप कि आपको कोई कनेक्टेड आइलैंड मिल जाए ठीक है तो इस जीरो को ऊपर पे तो कोई आइलैंड नहीं मिला बट इट गॉट एन आइलैंड टू इट्स लेफ्ट टू इट्स राइट टू इट्स बॉटम इसे कैसे बताऊं कि ये सेम आइलैंड है अगर मैं इसको नहीं बताऊं इस जीरो को जो वन में कन्वर्ट हुआ कि ये सेम आइलैंड है तो ये क्या करेगा ये बोलेगा कि अच्छा लेफ्ट से मेरे को एक आइलैंड मिल रहा है माइनस टू जिसमें जिसमें सेल्स की वैल्यू फाइव है हच में पे जाएगा और क्या कर देगा फाइव फ्रॉम लेफ्ट फाइव फ्रॉम राइट फाइव फ्रॉम बॉटम और एक खुद से चेंज किया इतना तो कितना हो जाएगा ये सिक्सटीन जबकि ऐसा है क्या यार ऐसा नहीं है राइट right? ये कॉमन आइलैंड था जिसकी वैल्यू होनी चाहिए थी सेवन करेक्ट तो इसीलिए हमें बताना पड़ेगा कि तुम भाई तुमने जो विजिट किया है तीनों वैल्यूज को वो तीनों वैल्यू सेम है दैट इज वाई वी आर मेंटेनिंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर ईच एंड एवरी आइलैंड अब जब हम इन चारों नेबर्स में ट्रेवल्स करेंगे तो इन चारों नेबर्स को सेट में पुश करेंगे सेट में क्यों पुश करेंगे यार सेट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो डुप्लीकेसी को हैंडल करता है इट डज नॉट अलाउ अ डुप्लीकेट वैल्यू टू गेट टू द सेट अगेन जैसे एक सेट बनाऊ इंटीजर टाइप का और पहली बार टू फिर से पुष्प नहीं होना देगा इसको डुप्लीकेला को डालूंगा और इसके नेबर्स क्या है माइनस टू माइनस टू माइनस टू तो सेट में क्या वैल्यू हो जाएगा सिर्फ एक ही बार माइनस टू जाएगा तीन बार नहीं जाएगा राइट एंड देन आई विल इटरेट इन सेट ठीक है और सेट में जितने भी वैल्यूज होंगे इटरेट इन सेट गेट दैल्यू फ्रॉम मैप गेट दी वैल्यू फ्रॉम मैप और एरिया निकाल लो अब माइनस का क्या है फाइव और खुद एक सेल था जिसको कन्वर्ट किया हमने ठीक है तो पहले ये फोर हुआ था अब सिक्स हो गया ठीक है तो ऐसे ही सिमिलरली हम सभी जीरोस के लिए करेंगे तो अगर आप देखो अब इसका आंसर निकाल लेते तुरंत यार तो रिट्रीट करते करते मैं कभी इस जीरो पर भी आऊंगा ये अगेन ट्रैवर्स करेगा लेफ्ट राइट बॉटम अप तो राइट से कोई आंसर नहीं मिलेगा इसको आपसे भी कोई आंसर नहीं मिलेगा बट लेफ्ट और बॉटम से दो आइलैंड कनेक्टेड है राइट तो सेट में फॉर दिस पर्टिकुलर जीरो सेट में क्या वैल्यू चली जाएगी सेट में ठीक uh, yep, है सेट में वैल्यू चली जाएगी माइनस वन एंड माइनस टू अब इन सेट में इटरेट करो एंड देन यू टेक आउट द नंबर ऑफ आइलेंड सो माइनस वन की वैल्यू क्या आती है थ्री सो आई है थ्री प्लस फाइव प्लस हमने जीरो को वन किया तो वन तो फाइव थ्री एट नाइन तो एक हमारे पास आंसर फोर है हमारे पास एक बार ना आंसर नाइन आया तो नाइन इज आर प्रिवेलिंग आंसर एज ऑफ नाउ तो ये जीरो को देखा हमने तो ये क्या हो जाएगा इस जीरो की वजह से हमारे पास आंसर क्या आ रहा था वन टू वन टू थ्री फोर फाइव राइट तो फाइव नाइन बढ़ाए तो नहीं करेंगे अब देखो एक और यहाँ पे एक जीरो है जो दो दो आइलैंड को अलग फिर से कनेक्ट करता है राइट right? बट ये अगेन सेम है माइनस टू माइनस वन को कनेक्ट कर रहा है अगेन इट विल गिव यू नाइन अब एक देखो एक जीरो यहाँ पर है ये सारे ये तीन जीरो जैसे हैं जो आइलैंड ऑफ माइनस टू एंड आइलैंड ऑफ माइनस थ्री को कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव फ्रॉम माइनस टू लेट से वी आर टॉकिंग फॉर दिस जीरो राइट फॉर दिस जीरो तो इसके सेट में क्या वैल्यू चली जाएगी एक तो माइनस टू चला जाएगा और एक माइनस थ्री चला जाएगा राइट माइनस टू की वैल्यू क्या है फ्रॉम मैप इज फाइव फाइव प्लस माइनस थ्री की वैल्यू क्या है फोर फाइव प्लस फोर दैट इज नाइन प्लस वन इट्स बिकॉज व्यू आर कन्वर्टेड दिस जीरो टू वन तो फाइव प्लस फोर प्लस वन नाइन एंड टेन सो टेन इज द फाइनल आंसर फॉर दिस Entire given matrix. करेंगे सारे जीरो के लिए फिर यहाँ पे बोल रहा हूँ अभी अपने डायरेक्ट समझ लिया आपको समझ में आ गया होगा राइट बट डीएफएस एक्चुअली कैसे हैंडल कर रहा है कि आयलैंड में जितने भी होकर गया मैं आपके लिए आप डी एफ एस की वीडियो देख लेना है मैं आपको डायरेक्ट कोड दिखाऊंगा यहाँ पे बिकॉज नॉट टू मेक दिसरे पास सो डस्ट टू इफिशियंटली मैनेज अर टाइम यूर डुइंग दिस थिंग एंड ऑल्सो आई एम रिगार्डिंग दिस वीड यू टेन इन टिपी दिस टाइम माई लैपटॉप कैन हैंड द लोड सो ग्रेट आई थिंक हैव अ मच मोर ग्रेट अर फीडबैक नाउ ठीक है तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डी एफ एस फंक्शन लगाएंगे तो मैं क्या करता हूँ मैं थोड़े से कमेंट्स लिखता हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट द कोड ओके

and then we are initializing count equals to one and since we are moving in all four directions we need to return the count of all the one in that particular island that is why we are always making a recursive call with the count plus equals to correct ठीक है ऊपर चलते हैं अब देखो मैंने यहाँ एक region variable बना रखा है कहाँ गया ओके okay, मैंने भी बनाया क्या let me declare it हम्म hmm. तो यहाँ पे मैंने एक region variable बनाया है, int region equals to minus one तो जो हमें सबसे पहला island मिलेगा right हम उन सारे island को म... उस उस आइलैंड में जितने भी वन है सबको माइनस वन से मार्क करेंगे राइट right? ठीक है तो हमने यहाँ पे क्या किया हमने एक मैप बनाया एंड देन वी हैव पुट मैट पुट जीरो जीरो जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे जैसे कि हम इस जीरो पे थे से इस जीरो पे राइट right? तो इसके जो नेबर्स हैं

एरिया को अभी वन रखा वन क्यों रखा क्योंकि जिस सेल को तुमने कन्वर्ट किया जीरो से वन दैट इट सेट वन वुल ऑल्सो बी काउंटेड इन द एरिया राइट वी आर नो इंटरेटिंग इन द सेट वी आर मेकिंग एडिंग अप द एरिया फ्रॉम ऑल द नेबरिंग आईलैंड यूजिंग द मैप वैल्यूज राइट एंड यूजिंग द डिस्टिंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ दैट पर्टिकुलर आईलैंड इफ एरिया इज लेस ग्रेटर देन मैक्स योर प्रीवियस मैक्स देन अपडेट योर मैक्स विद द करेंट एरिया correct and at last we are returning the max that is it let us compile and then again what is the time and space complexity o of n square is the time complexity and o of n square is the space complexity as well and since our constraint is what is given constraint constraint is 500 so if you square 500 it would be definitely less than 10 for it that is why our solution got submitted here let us switch back to the c process code i'll just scroll it through so that's the code we have in the C. And yep, I'm just scrolling it through because everything will be same as we did in Java and Dry Again, I will do not worry, you will get the source code de description, uh, source code in my DSL repository. I'll mention the link of the DSA repository in my description. And I have not added Lead Hub extension in this new laptop So to code push meko manually. In this and uh, from the next lectures, I will be uh, definitely adding that lead extension. और आप भी ऐड कर सकते हो अगर आप चाहते हो लाइक आप जैसे ही कोड सबमिट करो इट विल ऑटोमेटिकली वी लिंक टू योर डी एस ठीक है मिलते हैं कल की वीडियो में लर्निंग की गोइंग तो बाय एंड ठीक केयर गाइस